हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। इम्पॉर्टेंट सेशन है, कल कुछ छूट गया था एलिमिनेशन में, कुछ क्या मतलब एलिमिनेशन का थोड़ा ही पार्ट हुआ था, ताकि उसको इसमें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आई होप कवर भी हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन थोड़ा लंबी चैप्टर है और क्या है कि थोड़े टू द पॉइंट क्वेश्चन अधिक पूछते हैं, जैसे मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिक मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ नहीं, जो रटा है वो मारेगा, जो नहीं रटा है नहीं मार पाएगा। ठीक है, ये सोचे किससे लिंक करके इसको पढ़ लें तो ये नहीं हो पाएगा, पूरा रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी सेशन है, रिकॉर्डेड है, सारे स्लाइड के माध्यम से आएंगे कि जल्दी से हो जाए, नहीं समझाने बैठेंगे तो दो तीन लेक्चर आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन्हीं को क्या किया गया है, स्लाइड के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो पहले अगर ये सेशन पसंद है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जरूर देखना। ठीक है, जो बाद में देख रहा है उसको भी देख लेना, और 12 भी स्पीड करके देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहना। ठीक है, चलो देखो कुछ चीज़ें कल हो गई थी उसके आगे आते हैं। ठीक है, पहला चीज़ ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स सिंपल कुछ नहीं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना जी, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स होता है, उसी तरह ये फ्लक्स होता है। ये ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, बल्ब से निकलने वाली काल्पनिक रेखा जो प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक है, वो काल्पनिक रेखा है, उसको तुम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस कल्पना कर सकते हो, उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, सही है, प्रदीप्त पुंज जिसको बोलते हैं, इसको एफ या फाई से दिखाते हैं, इसको एफ या फाई से दिखाएंगे, और इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है, याद रखना क्या होती है, ल्यूमेन इसकी यूनिट होती है, यूनिट ही अधिक पूछता है इससे, ल्यूमेन होती है। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे, यानी प्रदीप्त तीव्रता की बात करेंगे, वो क्या होता है, तो इसे आई से व्यक्त करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है, क्या होती है, कैंडेला होती है। इसको अलग माध्यम से भी क्या पूछ सकता है कि एक कैंडेला बराबर क्या होता है, तो याद रखना है कि एक कैंडेला बराबर एक लुमेन अपॉन स्टेरेडियन होता है। ठीक है, स्टेरेडियन क्या है वो नीचे बताया जाएगा। ठीक है, वन लुमेन अपॉन स्टेरेडियन है, सही है ना। तो अब देखो सॉलिड एंगल, ये इतना समझ में आएगा, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अब देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, यानी ठोस कोण, ठोस कोण। ठीक है, देखो जब बल्ब की रोशनी गिरती है तो क्या, बस वो ऐसे नहीं गिरती, वो एक इस तरीके से गिरती, तरीके से कहे तो कोण बनाती है, शंकु बनाती है। ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड एंगल बना रही है, चारों तरफ एक एंगल बना रही है, तो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, वो जो बल्ब के पास से जो एंगल बना है उसको सॉलिड एंगल बोले, तो वो जो सॉलिड एंगल है इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, और इसी की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। जो यहाँ पे स्टेरेडियन आया है ना, वो यही है, सॉलिड एंगल की यूनिट ही है, क्या, स्टेरेडियन। और नॉर्मल की बात करोगे, अगर प्लेन की बात करोगे तो रेडियन हो जाता है, प्लेन में बात करते हो तो रेडियन हो जाता है, और जब सॉलिड में बात करते हो तो स्टेरेडियन होता है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ल्यूमेन क्या होता है, देखो ल्यूमेन वही वाली ल्यूमेन है, कहाँ गया, ये वाली ल्यूमेन, ल्यूमेन ये किसकी इकाई होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है, क्या, ल्यूमेन पूछेगा, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो ल्यूमेन, ल्यूमेन पूछेगा बता देना ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक है, कैंडल पावर क्या होती है, कैंडल पावर समझते हो क्या होता है, कैंडल पावर देखो, अगर एक घंटा वो जल रहा है, ठीक है, एक घंटा कोई मोमबत्ती जल रही है, और कि वो 7.7 ही ग्राम उसका यूज़ हुआ है, एक कैंडल लिए, एक घंटा जलाए, और उसको मेज़र किया, तुमको लगा कि यार यहाँ पे 7.7 ग्राम जो मोम है, जो कैंडल है, वो पिघल चुका है, उड़ चुका है, वास्तविक हो गया, वेपराइज हो गया, तो बोलोगे वो क्या है, स्टैंडर्ड कैंडल है, और वहाँ से निकलने वाली जो शक्ति हमको प्रदान हुई तरीके से, जो उसकी क्षमता थी, उसी को उसकी कैंडल पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 1 CP बराबर कितना होता है, 1 कैंडल पावर बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमेन अपॉन 4π होता है, क्या होता है, 1 ल्यूमेन अपॉन 4π। इस पर सवाल आते हैं जी, कैंडल पावर दे देगा तो ल्यूमेन पूछेगा, ल्यूमेन देगा तो कैंडल पावर पूछेगा, तो याद रखना है 1 CP बराबर 1 अपॉन 4π इंटू ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन याद रखना। ठीक है, और 1 CP बराबर कितना होता है, कैंडल पावर बराबर, देखो ये भी पूछता है, तो 0.0201 वाट होता है, 0.0201 वॉट होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, लक्स क्या होती है, इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है, पहला चीज़ इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, लक्स होती है, इल्यूमिनेशन की यूनिट लक्स होती है। फिर उसको जब दूसरे तरीके से पूछता है तो देखते हैं लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, दूसरे तरीके से क्या पूछता है कि 1 लक्स बराबर क्या होता है, तो 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसे मीटर कैंडला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटर कैंडला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटर कैंडला। देखो इल्यूमिनेशन तो पहले लक्स में माप लिया, कोई दिक्कत नहीं है,
अब इल्यूमिनेशन को मापने का तरीका और कोई और भी बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे पहला मिली फोट, क्या बोलते हैं मिली फोट, दूसरा फुट कैंडल से मापते हैं, तीसरा क्या होता है लाइट मीटर है। ये सब तरीके हैं, तो पूछ देगा कि इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा तरीका है नहीं है जिससे ये मापते हैं, तो ये तीन ऑप्शन रहेगा और चौथा दे देगा स्विनबर्न दे देगा, हॉपकिंसन दे देगा या सिंक्रोनोस्कोप या डार्क लाइट मेथड। तो सोचो कि लाइट आया है यानी मेजर करेगा ही करेगा, मगर वो नहीं कहता, वो तो सिंक्रोनाइजेशन वाले प्रयोग होता है ना। तो ये तीन करता है और एक ये करता है, चार होते हैं, पाँचवा कोई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, देखो ल्यूमिनस एफिशिएंसी यानी प्रदीप्त दक्षता की बात करेंगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, आउटपुट ल्यूमेन अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट देखो, आउटपुट में किस में दिया है, ल्यूमेन में दिया है, इनपुट किस में दिया है, पावर में दिया है। क्योंकि तुमको पता है कि अगर तुम बल्ब को इनपुट दे रहे हो तो वो वोल्टेज में दे रहे हो, करंट में दे रहे हो, जिससे वो पावर निकल रहा है, और उसकी बल्ब की आउटपुट क्या मिल रही है हमको, लाइट मिल रही, प्रदीप्ति मिल रही, पुंज मिल रही, ठीक है, प्रकाश मिल रहा है। इसलिए आउटपुट तो हमेशा ल्यूमेन में ही होगा और इनपुट किस में होगी, पावर में होगी। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है, ल्यूमेन पर वॉट, क्या बन जाती है, ल्यूमेन पर वॉट। इस चीज़ को याद रखना है कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी ल्यूमेन पर वॉट से दिखाई जाती है। क्वेश्चन आएगा फिर न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है, वन स्टेप रहेगा मगर पूछेगा जरूर, सही है ना। चलो अब आगे देखो क्या है, तल पर प्रकाश निर्भर करते हैं, तल पर प्रकाश निर्भर करते हैं यानी जो तल पर प्रकाश गिर रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करेंगे। पहला स्पेस हाइट रेशियो यानी प्रकाश की, प्रकाश के जो स्रोत है यानी जो बल्ब है, लाइट है, कैंडल है, हैलोजन है, जो भी है उसकी, और स्पेस जहाँ पे बिजली गिरानी है यानी जो प्लेन है जिस पे हमको उस लाइट का उपयोग करना है, उन दोनों के मध्य कितनी दूरी है, इस बात पे निर्भर करेगा। अनुपात क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब समझ रहे हो, बल्ब तो सौ फ्लक्स उत्पन्न कर दिया मगर लिए तुम 80 ही, लिए तुम 60 ही, बाकी तुम बेकार में कर दिए। ठीक है, और देखो ये चीज़ है कि पढ़ना तुमको है, ठीक है, पढ़ने के लिए मुश्किल से 30-40 लक्स चाहिए और तुम 4 हैलोजन लगा दो तो उसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं बन रहा, वो सब वेस्ट है, उसकी यूटिलाइजेशन फैक्टर कम है, ठीक है, वो कहानी है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर पर निर्भर करेगा। डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या होता है, डिप्रेसिएशन फैक्टर ये कहता है कि उस फ्लक्स की छाए कितनी हो जा रही है, जैसे एक बल्ब है उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, ठीक है, वो तो उतना ही जनरेट करा मगर धूल मिट्टी क्या कर दे रही है, या बल्ब साफ नहीं है तो उसके फ्लक्स को खा जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, शोषित कर ले रहा है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा लाइट मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट लाइट मेथड का मतलब डायरेक्ट की हो, इनडायरेक्ट की हो, सेमी डायरेक्ट की हो या सेमी इनडायरेक्ट की हो, इन सब पे निर्भर करता है, ठीक है, कि लाइट मेथड क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेकोरेटिंग के लिए तो इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, सेमी डायरेक्ट का, ठीक है, कोई लाइट पढ़ने के लिए चाहिए, प्रूफ रीडिंग के लिए चाहिए तो डायरेक्ट लाइटिंग मेथड करोगे, तो सब सारी क्या बोल रहे हैं तरीके से मेथड है ना, उस पर निर्भर करेगा, सही है। कितना क्षेत्रफल, इस पर भी तो निर्भर करेगा, छोटा क्षेत्रफल करना है, बड़ा क्षेत्रफल करना है, तो कितने एरिया का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, प्रकाशमय करना है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि हमको लाइट कैसी लगानी कैसी नहीं लगानी है, ठीक है। और लास्ट है छत और दीवार का रंग, छत का रंग कैसा है, दीवार का रंग कैसा है, इस बात पे भी निर्भर करता है। जैसे तुम 100 फ्लक्स वाले ही बल्ब लो और एक क्या, एक ब्लैक घर में लगाओ यानी जिसकी दीवारें तुम ब्लैक से पेंट किए हुए और एक वाइट से जो पेंट किए उसमें रखो, 100 फ्लक्स वाले ही बल्ब, ठीक है, या 20 वाट वाले ही बल्ब, तो तुम देखोगे क्या कि जो 100 फ्लक्स वाली बल्ब है यानी जो 100 फ्लक्स वाली बल्ब है वो ब्लैक में तुमको कम रोशनी देगी और वाइट में ज़्यादा देगी, ठीक है, यानी वो दीवार के कलर पे भी निर्भर कर रहा है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन लाइट का अच्छा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या होगा तुमको बाहर देगा, तुमको हमारी यूज़फुल फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लैक वाला क्या होगा, अगर कर्टन ब्लैक है, ब्लू है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है, रूम में ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना चाहिए, मगर अब फैशन हो गया डार्क कलरों का, ब्लू कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं, एकदम डार्क रेड कर सकते हैं, ठीक है, तो सब तरीका है करने का, सही है ना। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इस स्लाइड हम तैयार करने जा रहे हैं, उससे पहले तुम लोग इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो और देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट स्लाइड है, और ये भी इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें तो आधा ज़्यादा सारे मैक्सिमम यार सारे रट्टू मार क्वेश्चन है और मगर पूछा जाता है, रट्टू मार है तो है, ठीक है, मगर पूछा जाता है, ठीक है। देखो पूछा क्या जाता है
प्रदीप्तिमान कितने माहौल में कितना लफ्ज का प्रयोग करोगे, प्रूफ रीडिंग में कितना होता है, फाइंडिंग गाना सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो प्रदीप्तिमान क्या होता है, प्रदीप हालांकि सब में अलग अलग होता है। तो हॉल या क्लासरूम हो, हॉल या क्लासरूम में तुम्हारे 85 लफ्ज प्रयोग होंगे, लाइब्रेरी में तुम्हारे 130 लफ्ज प्रयोग होंगे, ऑपरेशन रूम में 160 से 250 लफ्ज का प्रयोग होता है, लफ्ज याद रखना सब में है। ड्राइंग रूम है जहाँ पे खाना वाना खाते हो, खिलाना तुम करना, ठीक है, 250 से 500 लफ्ज का प्रयोग होता है। स्टोर रूम में 30 से 35 लफ्ज का प्रयोग होता है, शोरूम में 160 लफ्ज का लगभग प्रयोग होता है। ठीक है, सॉरी हम ड्राइंग खाना वाला बात कर रही है, जिसमें तुम थोड़ा हल्का फुल्का क्या होता है चित्रकारी पेंटिंग फ्लांडे वाला जो करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही बता रहे हैं जी। देखो लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्यतिक्रम वर्ग लॉ। इसके अंतर्गत देखो ये होता है कि एक बल्ब लिए हो, एक बल्ब है और नीचे तल है। ठीक है, बल्ब से जितनी ऊंचाई तल से बढ़ाते चले जाओगे प्रकाश की इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, यानी इसलिए देखो डी स्क्वायर लिखा है नीचे, डी का मान बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यानी जैसे जैसे तुम डी का मान बढ़ाते चले जाओगे तुमको लगेगा आप कुछ कमज़ोर हो रहा है, कुछ कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो जैसे जैसे डी का मान बढ़ाओगे तुम्हारा कमज़ोर होता चला जाएगा। सही है, तो व्यतिक्रम इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे को बोलते हैं क्योंकि डी यानी जो दूरी है उसका इनवर्स कर दी, और ये डी क्या है बल्ब से तल के बीच की दूरी, ये जितनी बढ़ाते जाओगे ई का मान उतना कम होता चला जाएगा। ये फोर क्या लिख दिए, जब दोगुनी दूरी ली है तब की बात करें तब फोर डी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब देखो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या है, कभी कभी कोसाइन लॉ पूछेगा क्या होता है। देखो कोसाइन लॉ कुछ नहीं होता है, कोसाइन लॉ सिंपल ये है कि यहाँ पर लिख दिए समझ जाओगे, फिर रेस कर देंगे। एक प्रकाश है यहाँ तक सीधी लाइन लाइट गिर रही है, ठीक है, एक प्रकाश है वहाँ से सीधी पुंज गिर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी तीव्रता किसका ज़्यादा होगी, उसमें प्रकाश या चमक क्या होगी ज़्यादा होगी। वनस्पत ये जो मैक्सिमम जो दूरी है इससे ज़्यादा दूरी नहीं है, जैसे प्रकाश है वो इतनी दूरी को ही रोशन कर रहा है इतने दूर के तल को, तो ये जो मैक्सिमम दूरी है इसी को क्या बोलते हैं सबसे कम होती, सबसे दूरी सबसे कम प्रकाश यहीं पे होती है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे लाइट तो दिखती है मगर तुमको क्या लगेगा तीव्रता कम हो गई। तो देखो यही जो है ना यही है, देखो ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, यानी जो प्रकाश से तल की बात करें तरीके से कहें तो ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, देखो यही लिखा है ना, ये कितना बन गया 0 बन गया, ये 0 यानी सीधी सीधी रेखा गिर रही है। देखो ध्यान समझने वाली बात है, ये सीधी रेखा नीचे गिर रही, सीधी रेखा गिर रही है यानी प्रकाश पुंज और बल्ब के बीच में कितना है 0 कोण बन रहा है, यानी क्योंकि पूरी की पूरी सीधी गिर गई, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती 1 होती है, यानी उस समय क्या होगी मैक्सिमम तीव्रता देगी। फिर जैसे जैसे तुम क्या करते चले जाओगे दूरी बढ़ाते चले जाओगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि ये सीधी रेखा है ये बल्ब है तुम्हारी, ये बल्ब है ये की सीधी गिरी है। ठीक है, ये सीधी गिरी और एक तुम्हारी कैसे गिरी है एक ऐसे गिरी है, तो ये वाला जो है ये तुम्हारी कॉस 0 है। ठीक है, 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी मैक्सिमम तीव्रता यहीं पे मिलेगी, मैक्सिमम तीव्रता यहीं पे मिलेगी। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते चले जाएगा तुम्हारी तीव्रता कम होती चली जाएगी, और बढ़ा दी 90 पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 90 होने का मतलब ये पूरी ऐसे निकल गई, प्रकाश पे तल पे गिरा ही नहीं, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसलिए कॉस थीटा का प्रयोग किया गया और इसी को लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहते हैं। ठीक है, याद रखना इतनी चीज़। लाइटनिंग के प्रकार देखो, लाइटनिंग के प्रकार की बात करें तो पहले होती है डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछता है परसेंटेज। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट लाइटिंग क्या होती है, जब स्रोत से 90% जो फ्लक्स है यानी जो लाइट है वो तुम्हारे फर्श पे गिरे और 10% ही छिटक कर कहाँ जाए छत पे जाए। ठीक है, उतना मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, तो उसको डायरेक्ट लाइटिंग कहते हैं। ठीक है, सेमी डायरेक्ट किसको बोलेंगे कि 60% नीचे आए 30% ऊपर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसको सेमी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, अब देखो पूरा का पूरा 90% ऊपर जाए 10% नीचे आए, जो डेकोरेटिंग ये सब में इनडायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट ये सब क्या होते हैं डेकोरेटिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 90% ऊपर जा रहा है 10% नीचे तो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर ही चल गया, 10% नीचे मतलब क्या ये भी ले गए होते हैं, इसको देने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, यही चीज़ है। फिर सेमी इनडायरेक्ट क्या होगा, 60% ऊपर जा रहा है 30% यानी कुछ सहूलियत देता है, इनडायरेक्ट के मतलब से कुछ सहूलियत यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है टाइप ऑफ लाइटिंग, ये तुम चाहो तो घर पे भी कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर तुमको सब एक ही चीज़ बोलेंगे, ठीक है, डबल थ्री बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो चीज़ याद रखना है, ठीक है। डबल थ्री नहीं बनना है तो बिजली बचाओ, क्योंकि वाट तो उतना ही खा रहा है मगर ज़्यादा बुद्धि ना लगा, वो वाली खानी है। लैम्प के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो सर, अब इसमें क्या होगा, लगभग सब सारे लैम्प के प्रकार पड़ेंगे, जैसे ये GLS है, जनरल लाइटिंग है, ठीक है, सोर्स है, यानी जो GLS लैम्प हो, जैसे फिलामेंट हो गया, मेटेलिक फिलामेंट, टंगस्टन हो गया, वैक्यूम, ये सब सारी चीज़ें, तो जनरल पर्पस जो लाइटिंग है उसका पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसकी पावर फैक्टर लगभग यूनिटी होती है, ठीक है ना, ये कहानी। तो इसमें पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से डिस्चार्ज लैम्प है, सोडियम वेपर लैम्प से डिस्चार्ज लैम्प स्टार्ट आएगा, इसमें तुम्हारे सोडियम आएंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब आएंगी, और तुम्हारे मरकरी वेपर लैम्प, हाई प्रेशर लो प्रेशर सारी चीज़ आएंगे। तो देखो कार्बन फिलामेंट लैम्प होता है जो, उसमें कार्बन का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कुछ समय बाद जो होगा उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, तो तुम बोलोगे घटेगा, क्योंकि कार्बन है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो घटता जाएगा प्रतिरोध का मान। टेम्परेचर कितना होता है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है टेम्परेचर, 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है कार्यकारी टेम्परेचर, इस पर काम करता है अच्छे से, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो ये गलन गलन गलनती हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। कितना एफिशिएंसी होता है, 2.5 से 4 ल्यूमेन पर वाट, इतनी ही एफिशिएंसी होती है, 2.5 से 4 ल्यूमेन पर वाट, ठीक है। कितने घंटे तक चलता है, 600 से 800 घंटे चलता है, 600 से 800 घंटे आराम से चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो क्या है, इसमें ये वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम नहीं होने के कारण क्या होता है कि जब ये ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये गल जाता है, और गलने के बाद क्या होता है, बल्ब काला पड़ जाता है, ठीक है, और इसी को दूर करने के लिए हम क्या किए, वैक्यूम फिलामेंट, जब उसमें वैक्यूम बना देते हैं तो वो जो तुम्हारा टंगस्टन है या जो भी है तुम्हारा फिलामेंट है वो ऑक्सीकृत होने से बचा रहता है, जिससे वो बल्ब काला या कांच काला नहीं पड़ता है बल्ब का, ठीक है। तो वैक्यूम फिलामेंट जो होता है लगभग 2400 डिग्री हो जाता है, क्योंकि इसमें टंगस्टन का प्रयोग होने लगता है। एफिशिएंसी की बात करें तो थोड़ी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, कितनी, 8 से 10 लुमेन पर वॉट एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। घंटा भी क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, 50 घंटा बढ़ जाता है, यानी 750-800 आवर्स हो जाते हैं। फिर गैस फील्ड लैम्प की बात करेंगे, अब इसमें गैस भर दिए, गैस के रूप में क्या भरोगे, आर्गन भरोगे, और क्या भरोगे, आर्गन भर ही सकते हो, आर्गन की औकात ही है हम लोग की, ठीक है। गैस फिलामेंट लैम्प तो क्या होगा, टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ी मिलेगी, कितना, 10 से 20 लुमेन पर वॉट बढ़ी मिल गई। घंटे की बात करें, देखो यहाँ पर लगभग 400 घंटे भर गए, 1000 से 1200 आवर्स की इसकी घंटा बढ़ गई, ठीक है। अब देखो सोडियम वेपर लैम्प है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उतना ही लिख रहे हैं, ज़्यादा झाम नहीं लिख रहे हैं। सोडियम वेपर लैम्प, इसमें देखो सोडियम के क्रिस्टल प्रयोग होते हैं, पहला चीज़ याद रखना है, सोडियम के क्रिस्टल प्रयोग होते हैं, ठीक है, मतलब कण प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। फिर वो क्या होता है, गर्म होता है, पिघलता है, फिर क्या होता है, गर्म होकर पिघलता है, गर्म होकर हीट होगा, जब करंट मिलेगा तो क्या होगा, हीट होगा। और इसमें एक चीज़ और, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, सही ना, पूछे कि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, याद रखना, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इसमें होता है, इसलिए इसका उद्योगों में प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ बाहर लाइटनिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मगर जहाँ मशीन चल रही हो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते। स्ट्रोबोस्कोपिक मतलब रुका हुआ चीज़ तुमको चलता हुआ प्रतीत होगा, चलता हुआ चीज़ रुका हुआ प्रतीत होगा, तो बहुत बड़ी खतरे की बात है, ठीक है यार, मोटर रुका हुआ है, हाथ डाल दिए, फिर देखे तो हाथ छटका मिला तुमको, ठीक है, इसलिए। तो देखो स्टार्टर सोडियम वेपर लैम्प स्टार्ट में कैसा होता है, पिंक होता है, फिर बाद में कैसा होता है, येलो हो जाता है, कितने मिनट बाद, जब 10 से 15 मिनट बाद जब पूर्णतः चालू हो जाता है तब ऐसी कहानी होने लगती है। क्या होता है, कार्यकारी टेम्परेचर कितना है, 110 वोल्ट पर ही कार्य करता है, मगर स्टार्ट में करीब 250 से 300 वोल्ट भी लेता है, 300-350 वोल्ट ले लेता है स्टार्टिंग में, मगर जब नॉर्मल चलने लगता है तब 110 वोल्ट पर आ जाता है। एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है, 40 से 50 लुमेन पर वाट होती है। घंटे की बात करें तो 3500 आवर की घंटी होती है, यानी 3500 आवर की लाइफ टाइम होती है लगभग, ठीक है। इसको कभी वर्टिकल नहीं लगते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल लगते हैं, कहीं पर भी दिखोगे अगर पीले लैंप है तो इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट करके रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, ठीक है, यानी क्षैतिज रूप से रखते हैं, और इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसमें होता है। अभी और भी चीज़ें हैं जो भी तुम्हारे नेक्स्ट स्लाइड में है, और नेक्स्ट स्लाइड में उम्मीद है कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम तैयार करते हैं, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, तब तक तुम लोग क्या कर लो, सेशन को लाइक कर लो, शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो लास्ट स्लाइड है और इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, लगभग ख़त्म हो जाएगा, सारे वो ले लिए। देखो मरकरी आर्गन लैम्प, यानी ऐसे लैम्प जिसमें तुम गैस के रूप में आर्गन का प्रयोग करोगे, और HG तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो
कार्य किस पे करता है? 230 वोल्ट एसी पे कार्य करेगा। किस पे? 230 वोल्ट लाइन जो नॉर्मल होती है हमारी, उसी पे ये काम करेगा। गैस कौन सी भरी जाती है? तो आर्गन गैस, क्योंकि नाम से ही क्लियर रहा है मर्करी आर्गन, तो आर्गन भरा जाएगा। ठीक है, जैसे हेलोजन को 15 मिनट लगा था पूर्ण प्रकाशित होते में ना, इसको कितना लगता है? 203 मिनट लगता है पूर्ण प्रकाशित होने में। कितने वॉट तक बनाए जाते हैं? तो 400 वॉट तक ये बनाए जाते हैं। इस एफिशिएंसी की बात करें तो 30 से 40 लुमेन पर वॉट एफिशिएंसी होती है। किसकी? एम जी यानी एच जी ए आर करके देगा, तब भी याद रखना। एच जी यानी मरकरी, ए आर मतलब आर्गन, एच जी ए आर की लैम्प की। समझ में आया? इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, जो सोडियम वेपर लैम्प में हो रहा था कि रुका हुआ चलता हुआ, चलता हुआ रुका हुआ प्रतीत होता है, सेम कहानी इसमें होती है। ठीक है, एच जी ए आर टंगस्टन लैम्प, यानी मरकरी आर्गन टंगस्टन है, यानी इसमें किसका फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होगा। वो क्या होता है? तो देखो, वो एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। क्या करता है? एसी डीसी दोनों पर काम करता है। रंग कैसा देता है? तो रेड देता है या ब्लू कलर का प्रकाश होता है उसमें। ठीक है, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट एसी पे कार्य करता है। 250 वोल्ट अगर एसी है तो 250 वोल्ट पे काम करेगा। कितने वाट तक बनाए जाते हैं? 300 से 500 वाट तक बनाए जाते हैं, मगर इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता, यानी यहाँ पे मशीन उशीन वाली जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री में एच जी आर्गन टंगस्टन की बात हो रही थी। ठीक है, अब आओगे तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात होगी। ठीक है, किसकी? फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात होगी। स्टैंडर्ड की बात करें जी, देखो होने को इतना पतला होता है, इतना मोटा होता है, फलाने में सारी होती, पतली मोटी सब होती, मगर हम नॉर्मल की बात करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया। ठीक है, 204 mm, वो उसकी लंबाई बता, मोटाई बता रहे हैं। ठीक है, किसकी? ग्लास की जो होती है। ठीक है, 2 mm से 4 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है। सही है या कुछ गड़बड़ लग रहा है तुझे? जो पूरी ग्लास में मोटाई होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। देखो होता क्या क्या है। पहले तो उसमें एक स्टार्टर का प्रयोग होता है। स्टार्टर क्या होता है? एक बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है, बताए होंगे कि जब तक वो स्टार्ट नहीं होता वो गर्म होता है, फिर चिपकता है, फिर जैसे चिपकता है तो आयनाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, बल्ब स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें कोई करंट नहीं जाती, तो फिर वो छूट जाता है। ठीक है, यानी वो जब तक स्टार्ट होता है तभी तक उसका प्रयोग होता है। तो वो पूछता है कि स्टार्टर कैसे लगा होता है? ट्यूब के साथ हमेशा पैलर में होता है, याद रखना, स्टार्टर हमेशा ट्यूब के साथ पैलर में लगा होता है। इसका काम कुछ नहीं होता, बस ये होता है 20 से 25 मिनट बाद ये ऑन ऑफ करता है। और क्या करता है स्टार्टिंग में? वही जो आयनाइजेशन की प्रक्रिया है उसको सहूलियत देने में स्टार्टर का मदद करता है। ठीक है, इस स्टार्टर में एक ऐसे ऐसी होगी बल्ब की तरह छोटी सी, उसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, चोक स्टार्टर जिसको बोलते हैं, छोटी सी होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? हीलियम गैस भरी जाती है, याद रखना। ठीक है, चोक क्या होता है? ट्यूब के साथ सीरीज में लगा होता है, ट्यूब के साथ सीरीज में लगा होता है, और इसका काम कुछ नहीं होता है, बस वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करना होता है। वोल्टेज को घटाता है, करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाईली इंडक्टिव होता है। पहले का नहीं पूछा चुप कैसा होता है, तो हाईली इंडक्टिव होता है। काम क्या होता है? वोल्टेज को घटाने का। अच्छा, अब फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें तो ये क्या हो सकता है? 1 से 5 फुट हो सकता है, यानी 1 से 1.25 मीटर तक हो सकता है। 203 मीटर इसकी व्यास होती है। इसमें एम जी या टंगस्टन की परत चढ़ाई जाती है, सॉरी एम जी बोले, यानी मैग्नीशियम या टंगस्टन की क्या होती है? परत चढ़ाई जाती है। मैग्नीशियम टंगस्टेट की क्या होती है? इसमें परत चढ़ाई जाती है, इसको याद रखना। 110 वोल्ट पे कार्य करता है। इसकी एफिशिएंसी 60 लुमेन पर वॉट होती है, एकदम स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसलिए बस स्टैंडर्ड लिए ही है। 5,000 से 7,000 वॉट तक इसकी एफिशिएंसी होती है, कहीं कहीं सॉरी घंटा होती है, कहीं कहीं 8,000 घंटे भी देगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए दो तीन पूछता है कि ये कोटिंग करके तो किस कलर का रंग देगा। तो दो इम्पोर्टेंट अधिक पूछता है जो एग्जामों में, वो ये है कि जिंक सिलिकेट क्या होता है? ग्रीन कलर का रंग देता है। ठीक है, और मैग्नीशियम टंगस्टन की बात करोगे तो ब्लूइश व्हाइट कलर का रंग देता है। डीसी पे कार्य करने पे इसकी एफिशिएंसी 80% तक घट जाती है। इसकी अगर डीसी पे कराओगे तो काम करेगा, एसी डीसी दोनों काम करता है, मगर डीसी पे कराओगे तो लगभग 80% तक इसकी दक्षता घट जाती है। और उसके साथ तुमको एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगाना पड़ता है डीसी में, जिसको क्या बोलते हैं? बैलेस्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेस्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। किसके बारे में? ट्यूबलाइट के बारे में। अधिकतर एक सब क्वेश्चन घुमा फिरा पूछता है। नियॉन लैम्प क्या होता है? नियॉन लैम्प कुछ नहीं, एक इंडिकेटर था जो तुम्हारे बोर्ड में लगा होगा, देखते देखते होगे। ठीक है, कितने का होता है? 0.5 वॉट का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आकार में बहुत छोटा होता है। 110 वोल्ट एसी पे काम भी करा सकते हो, डीसी पे भी कार्य करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीसी में थोड़ा अधिक ले लेता है, 150 वोल्ट का समथिंग ले लेता है। ठीक है,
रेड पिंक इंडिकेटर के रूप में, इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होते हैं। पहली चीज़, ये रेड कलर में, पिंक कलर में, ऑरेंज कलर में भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर में आते हैं। ये एसी डीसी दोनों पे कार्य कर सकते हैं। हेलोजन लैंप है और लास्ट लैंप है आज का, ठीक है, तो ध्यान से देखना। हेलोजन लैंप जो है, देखो हेलोजन ग्रुप एक होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये सब क्या होता है उस हेलोजन ग्रुप में होते हैं। तो इसलिए इसका नाम हेलोजन पड़ा, क्योंकि उसी ग्रुप का ये प्रयोग करता है। क्यों? ब्रोमीन का, आयोडीन का या क्लोरीन गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है। 25 से 35 लुमेन पर वाट इसकी एफिशिएंसी होती है। फ्लड लाइट यानी जो स्टेडियम स्टेडियम में देखते हो बड़े बड़े लाइटें जो रोशनी देने के लिए, फ्लड लाइट उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। 250 से 230 से 250 वोल्ट पर एक कार्य करता है। अगर ये वोल्टेज की बात करें तो 300 वोल्ट, 500 वाट और 1000 वाट में बनाई जाती है। तुम देखे होगे जो तुम्हारे घर पे जब कभी शादी विवाह पड़ता है तो लेकर आते हैं बिजली वाले, वो यही है, ठीक है। फिलामेंट लैंप होता है, इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी थी आज की इंपॉर्टेंट सेशन है, और सारे क्वेश्चन देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन क्या, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लेने का प्रयास किया गया है। आई होप स्क्रीन शॉट ले ले रहे हो, क्योंकि मोबाइल में पढ़ने में आसानी होता है, कहीं भी 2 मिनट रुके, ठीक है, चाय पी रहे हो, सुट्टा पी रहे हो, तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होंगे या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी आपको अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल किए हुए, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो चलो आज का लेमिनेशन ख़त्म, कल फिर एक नए सेशन के साथ स्टार्ट होंगे, नई चीज़ों के साथ, नए पॉइंट के साथ, नए रिवीजन के साथ, और नए हल्के फुल्के क्या बोलते हैं ट्रिक वाले फॉर्मूले के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम। उससे पहले इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।